अच्छा तो गाइस, जो कल राइड आपका भाई लेके गया था जीम टाउन से, तो आज फिर वही राइड मिल गई हमें। तो मुझे उधर से सुबह सुबह राइड इसलिए जल्दी नहीं मिली थी क्योंकि आज मैं लेट गया था। तो वहाँ पे अब मैं तो खाली नहीं ड्रॉप करने के, तो और भी कैप्टन काफी थे वहाँ ड्रॉप करके खड़े हुए थे। तो आप भी बोलते होंगे भाई क्या खवारियों में लगा पड़ा है, इधर से राइड उठाई उधर ड्रॉप की, उधर से उठाई इधर ड्रॉप की, भाई सीन हो गया एक। आप भी बोलते होंगे भाई के साथ क्या क्या सीन हो जाते हैं। तो अभी हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तला मुगल, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपको लग रहा होगा भाई बहुत खुश हैं। तो मेरे प्यारे भाई मंसूर भाई आ रहे हैं जी स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान कल, तो उसके बाद भाई आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि वो आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, तो उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना अपना पाकिस्तान का। तो वो भी आपको जो भाई बाहर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो हम लाइसेंस अपना कैसे बनवाएंगे, उनके लिए भी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे जाके क्या क्या करना होता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो कल आ रहे हैं, तो परसों इंशाल्लाह हम जाएंगे वो बनवाने के लिए। तो अभी तक जिन्होंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले व्लॉग आपके लिए अच्छे होंगे। और स्विट्ज़रलैंड की भी वो कुछ हाईलाइट्स बना के लाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, आपने घबराना नहीं है। तो आपके लिए अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। और कल एक बुकिंग भी है, कल खारियां जाना है और उसके बाद फिर वापस मंसूर भाई को भी पिकअप करना है। तो बहुत खिचड़ी बन गई अब, तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो ओके गाइस, अभी हम निकल रहे हैं और टाइम 7:20 हो गए, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं राइड, तो जैसे ही राइड मिलती है तो बताता हूँ आपको। तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अच्छा तो गाइस, जो कल राइड आपका भाई लेके गया था जीम टाउन से, तो आज फिर वही राइड मिल गई हमें। ए पर आज मिली है 802 पे, कल 702 पे मिली थी, आज 802 पे। तो चले इनको पिक करते और निकलते हैं और चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितना है। ये हमसे दूर है 950 मीटर 5 मिनट। अच्छा तो राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है 832 पे। तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। और दूसरी बात ये कि आपको अभी इंशाल्लाह नए से नए व्लॉग देखने को मिलेंगे। आपका भाई ट्रैवल करने वाला है लाहौर गुजरात, खारियां कल जाना है, तो इंशाल्लाह अभी व्लॉग अच्छे मिलेंगे आपको। और फूड के रिलेटेड भी आपका भाई व्लॉग बनाएगा, उसके भी बारे में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कल ड्राइविंग, परसों जाना है हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बाहर से, भाई जो स्विट्ज़रलैंड से आ रहे हैं तो उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है पाकिस्तान में। तो देखें उसका क्या प्रोसेस है, वो भी आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। तो बने रहिएगा भाई के साथ इंशाल्लाह। वेट करने के बाद एक छोटी सी राइड मिली है 450 की इधर से ही, तो आई एम हेयर कर देते हैं। टाइम चेक कर लें 9:45, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 7.6 किलोमीटर 14 मिनट। तो चलें वो आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। पार्किंग में खड़ा हुआ था मैं, राइड को मैंने ड्रॉप करते ही साथ एक और राइड मिल गई है, तो 10:05 में मुझे राइड मिली है और अभी मैंने ड्रॉप की है। तो चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितना है, 2.1 किलोमीटर 7 मिनट। चलें जी, और मैं अभी हूँ सुहाग गार्डन में। ये है सुहाग गार्डन का कमर्शियल एरिया सारा, मेन एवेन्यू पे सुहान एवेन्यू इसे कहते हैं। तो ये सारा कमर्शियल एरिया है। तो अभी हम जा रहे हैं राइड को पिक करने और उसके बाद जाना है G6। तो मुझे उधर से सुबह सुबह राइड इसलिए जल्दी नहीं मिली थी क्योंकि आज मैं लेट गया था। तो वहाँ पे अब मैं तो खाली नहीं ड्रॉप करने गया था, और भी कैप्टन काफ़ी थे वहाँ ड्रॉप करके खड़े हुए थे, तो उनको राइड मिलती थी मुझे नहीं मिली, वो पहले से खड़े हुए थे। तो उसके बाद तभी मुझे जो है ना 1 आवर के बाद राइड मिली थी। इधर अभी राइड को ड्रॉप किया, अभी दूसरी राइड को पिक करने जा रहा हूँ, इसको G6 जाके ड्रॉप करने है। तो इनको ड्रॉप करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ से डिस्टेंस है 24 किलोमीटर 35 मिनट। तो राइड को मैंने ड्रॉप किया है 10:44 पे, तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। कुलसुम हॉस्पिटल ड्रॉप किया, अभी मुझे राइड मिली है स्टॉक एक्सचेंज से शहजाद टाउन जाना है 900 में, टाइम हो रहा है 10:48। तो चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितना है। हो तला ब्रो,
2.1 किलोमीटर 5 मिनट. ओके लेट्स गो, जल्दी से. वो बोल रहे हैं जल्दी आओ भाई. यहाँ से 14 किलोमीटर 18 मिनट और टाइम हो रहा है 10:56. तो चलें. तो राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है 11:20 पे. तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट राइड देखते हैं कब मिलती है और कहाँ की मिलती है. और आगे से एकदम से गाड़ी आ गई. तो चलें राइड देखते हैं. 11:20 पे राइड को ड्रॉप किया था. 12:14 हो रहे हैं तो अभी तक राइड नहीं मिली यार. तो देखते हैं कब मिलती है. अभी चक शहजाद ने पार्क के पास मैं खड़ा हुआ हूँ. मुझे राइड मिली है 2 घंटे बाद, मतलब 10 मिनट कम है, 2 घंटे बाद ही मिली है. तो इनको CBR टाउन लेके जाना है. तो चेक कर लेते हैं ये हमसे दूर कितना है. 3.5 किलोमीटर 7 मिनट. ये है जी पार्क एंक्लेव. यहाँ से भी राइड को मैं पिक करने आया हूँ. और सामने आप बादल देखें कैसे जो है ना. चलें देखते हैं कितना दूर है ये हमसे. अब 1.4 किलोमीटर है. राइड जो है 1057 में मिली है मुझे. डिस्टेंस है 20 किलोमीटर 37 मिनट. तो टाइम हो रहा है 12:48. तो राइड को मैंने अभी ड्रॉप किया 1:35 पे. तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट राइड देखते हैं कब मिलती है और कहाँ की. छोटी आ रही है, बड़ी नहीं आ रही. कोई बड़ी आए ना. एक बड़ी राइड आ रही थी. इसने पहले नेवल एंट्री जाना है फिर गुलबर्ग ग्रीन जाना है. तो 1000 फेयर कर दिए. तो देखें एक्सेप्ट होती है या नहीं. नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही. ये राइड मिल गई है. इन्होंने फेज 7 जाना और टाइम हो रहा है 1:44. ये राइड मिली है 6:50 की. तो चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितना है. 1.4 किलोमीटर 5 मिनट. ओके जी लेट्स गो. तो आप भी बोलते होंगे भाई क्या खवारियों में लगा पड़ा है. इधर से राइड उठाई, उधर ड्रॉप की, उधर से उठाई, इधर ड्रॉप की. बस जनाब पूरा दिन यही काम चलता रहता है. अभी उनकी कॉल आ रही है, चलें बात करते हैं. यहाँ से डिस्टेंस है 12 किलोमीटर 35 मिनट. ये आप चेक कर सकते हैं ट्रैफिक में मैं फंस चुका हूँ. ये स्कूल टाइम पे आप GT रोड पे कभी भी नहीं आए. अभी छुट्टी हो रही है और ट्रैफिक आप देख लें. आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ मैं. और ये आप पीछे देख लें पूरी लाइन लगी पड़ी है. बैरियर से निकला हूँ उधर भी लंबी लाइन, इधर आगे निकला हूँ तो आगे भी लंबी लाइन. अच्छा तो अभी मैंने हील बाइक को ड्रॉप कर दिया है बैरियर टाउन फेज 7 में. तो अभी टाइम हो रहा है, बड़े खुश हुए हैं मुझे. मैं बोलते क्या करते, मैंने बोला इन ड्राइव चलाता हूँ और साथ में व्लॉगिंग करता हूँ. बोलते हैं अच्छा. फिर यूट्यूब चैनल उन्होंने देखा तो बोलते हैं माशाल्लाह गुड वर्क लड़के. तो मैंने बोला बस मेहनत कर रहे हैं. तो अभी ट्रैफिक बहुत था यार GT रोड पे. छुट्टी टाइम कभी भी ना आए आप. तो अभी टाइम हो रहा 2:35. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट राइड हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है. जैसी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ. डारी 8:50 की. तो मैंने फेयर की है 12:50 क्योंकि गुलजारे कायद जाना है और उसके बाद जिनाह गार्डन जाना है. और मैंने ये इतना क्यों किया आपको दिखा भी देता हूँ. टाइम 54 मिनट. टाइम ज़्यादा लग रहा है इस वजह से इतना फेयर कर रहा हूँ. राइड मिली है 3:13 पे. तो चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितने हैं. ये दूर हैं 750 मीटर 2 मिनट. और ये राइड मिली है 1300 की. तो चलें इनको पिक करते हैं. डिस्टेंस है 18 किलोमीटर 44 मिनट और टाइम हो रहा है 3:15. मैंने अभी ड्रॉप किया है 408 पे. तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं कब मिलती है और कहाँ की. जैसी मिलती है तो आपको बताता हूँ. अच्छा तो इसमें आप लोग भी कन्फ्यूज होंगे कि भाई राइड तो फैसल मूवर्स की थी और आप PWD कैसे आ गए. वो ऐसे कि उन्होंने बोला कि भाई PWD ड्रॉप कर दें. मैंने बोला सही है मुझे कोई मसला नहीं, जहाँ बोलेंगे भाई ड्रॉप कर दें. तो ड्रॉप कर दिए. तो फेयर वही लिए क्योंकि जो इन ड्राइव का कमीशन भी कट जाना था वही फेयर बना है. तो वही लिए 1300. तो अभी यहाँ से राइड ही नहीं आ रही. तो अभी देख लो जैसी पे मिलती है तो बताता हूँ आपको कि क्या सीन है. एक आ रही है मानो के नाम से बट चली जाती है बार बार आके. ये छोड़े राइड मिली 300 की. PWD से ही उठाना है और PWD में ही ड्रॉप करना है. तो चेक कर लेते हैं ये हमसे दूर कितना है. 400 मीटर 1 मिनट. चलें 5 मिनट 1.6 किलोमीटर. राइड यहाँ पे हुई तमाम और 4:37 हो रहे हैं. तो अभी इनकी राइड कर देते हैं हम एंड. तो अभी इनको 5 स्टार दे देते हैं. तो अभी नेक्स्ट राइड देखते हैं. ये फिर राइड मिल गई PWD से. किप्स अकेडमी जाना है और टाइम हो रहा है 4:46. तो चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितना है. 170 मीटर 1 मिनट. ओके
ये मैं इतना पीछे ना रोंग आया हूँ। तो यहाँ से है 2.6 किलोमीटर 8 मिनट और टाइम हो रहा है 4:48। भाई सीन हो गया एक, आप भी बोलते होंगे भाई के साथ क्या क्या सीन हो जाते हैं। तो अभी सीन ये हुआ कि वो मैडम को मैं जब पिक करने आया हूँ तो उन्होंने बोला कि मैंने एक चीज़ देखनी है सामने से, तो आप वहाँ रोकिएगा। तो मैंने बोला मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि उधर से अभी ट्रैफिक होगा, तो हम जो है ना इधर से निकल जाएंगे कोरिंग टाउन से। तो बोलती हैं मैं चले, मैंने बोला आप सामने से सामान दे के आ जाएँ जो देखना है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो वो गई हैं और वापस उन्होंने मुझे कहा है कि मैं अभी सामान मुझे लेना होगा तो मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ, तो आप चले जाएँ। 5-10 मिनट वेट किया मैंने यहाँ पर, तो मैंने बोला सही है, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 4:58 हो रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं, हमें जब भी मिलती है तो फिर हम निकलते हैं। चले 1906 लीटर 0.87 रुपीज़। भाई मेरी गाड़ी दे रहे 20 की एवरेज 20.8 और टोटल चली है 135 किलोमीटर, तो इसको हम कर देते हैं 0। तो गाइज आपके भाई की जो अर्निंग हुई है वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो ही है 7,100 रुपीज़, मतलब 7,095 रुपीज़। तो ये सीन है, आज मेरी इन ड्राइव की जो अर्निंग हुई है वो ये 7,100, इसमें से हम माइनस करेंगे पेट्रोल 1,900 और इसमें से हम माइनस करेंगे या इन ड्राइव का कमीशन -700 और इसमें से हम माइनस करेंगे 500 गाड़ी की मेंटेनेंस। तो आज हमारा प्रॉफिट हुआ है 4,000। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अच्छा रहा। जो आज मैंने राइड की है वो भी आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइड की आज। अच्छा तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, शावर ले लिए, तो अभी व्लॉग थोड़ा सा एडिट करते हैं तो उसके बाद सोते हैं, और कल सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा। तो अभी जो है ना 5 से भी पहले उठना पड़ेगा यार। अभी तक जिन्होंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और मैंने आपको बताया था कि अभी इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, तो भाई के साथ बने रहिएगा तो अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो ओके गाइस आज के व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।